मानव साहब के बारे में हमने सुना है कि इनको जलेबी और कचौरी इतनी पसंद है, उस चक्कर में ये नेशनल लेवल के स्विमर बन गए. सर मेरे को स्विमिंग और जलेबी कचौरी का कोई मतलब नहीं समझ में आया. आपके कोच हलवाई थे या आपके हलवाई आपके कोच थे? नहीं, मैं होशंगाबाद में पला बड़ा हूँ. अच्छा जी. वहाँ नर्मदा नदी है तो वहाँ कोई भी त्यौहार होता था लोग पैसे फेंकते थे. हाँ, नदी में लोग. तो हम चार पांच दोस्त थे जो गोता लगा के पैसे ढूंढते थे पूरा नीचे. तो मेरी सांस बहुत लंबी थी तो मैं हमको क्या अगर नीचे जाना पड़ता था मुंह में हम पैसे रखते जाते थे. तो जब निकलते थे तो मुंह ऐसा भरा होता था पैसों से. अच्छा. फिर निकालते थे तो कचौड़ी और जलेबी के पैसे निकल आते थे. वाह. ऐसे तो उसी समय एक कोच ने देख लिया कि मैं अंदर गया. अच्छा. और निकला ही नहीं बहुत देर तक. तो उसने कहा इसकी सांस तो बहुत लंबी, इसको तैराओ. तो मेरे को स्टेट कंपटीशन में भोपाल ले गए. अच्छा. मैंने लाइफ में पहली बार स्विमिंग पूल देखा. अच्छा जी. और मैं ऐसा हो गया कि ये इसका रंग कैसा है, ऐसा कैसे रंग है. हाँ. लेकिन चूंकि मैं गोरा था और मतलब कश्मीरी था और गाँव. अच्छा. में था, तो मैंने कहा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा. अच्छा. वो बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं चट्टी पहन के स्विमिंग करूंगा. तो उन्होंने कहा ठीक है. तो मैं कूद गया, फ्री स्टाइल की सेकंड आया. सब लोग हंस रहे थे बाहर पूरे. मैंने कहा ये लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं कहता भाई तू कूदा ना तो चड्डी निकल रही थी और पूल में सब दिखता है और मैं एक हाथ से ऐसे करके फिर भी आप प्राइज ले आए. सेकंड आ गया. सोचो अभी तो चड्डी ढीली थी फिर भी सेकंड आ गए. पूरी फिटिंग की होती तो आप पता नहीं फर्स्ट से भी ऊपर आ जाते. हमारी जो मुस्कान है ये बहुत अच्छी डबिंग. ये नहीं कि जिस फिल्म में काम कर रही हैं, सीरीज में काम कर रही हैं, उसी में अपनी आवाज देती हैं. Oh. अपनी आवाज अलग अलग करेक्टर्स को भी देती हैं. Wonderful. बहुत अच्छी मिमिक्री भी कर लेती हैं और oh, बहुत wow. अच्छा गाती भी हैं. प्लीज एक गाना हो जाए. एक गाना हो जाए. जी जी. ये रात ये चांदनी थे जो आपने अपना रंग डाला ना इसमें. wow. ये बड़ा मजेदार था. वेरी नाइस. थैंक यू. नाइस. जब माधुरी मैम आई थी आते ही मैंने जो मुखड़ा गाया तो मैं नर्वस होके अंतरा भूल गया. मुझे लग रहा था कुछ. मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा. कॉर्ड देना जरा. ओके माधुरी मैम प्लीज गाइए. आपकी नजरे करम. ये खूबसूरत गीत वो है निशान, वही मेरी जिंदगी की भोर है, उसे है पता. उसके ही हाथों में मेरी डोर है, उसे है पता. सारे जहां से जुदा ऐसा मेरा यार है. पहला प्यार है, पहली पहली बार है. उसकी नजर पलकों की चिलमन से मुझे देखती, उसकी नजर थैंक यू.
is amazing. Dil bar tujhe milne ko kab se tha main beqarar ab jaake aaya mere bechain dil ko khana. Manav ji, Sanjay ji, Lakshvir ji, Muskan ji, and Madhuri, Dixit ji, ish! ये क्या किया है? रंगमंग कहाँ से लगा दिया? नहीं नहीं नहीं, आपको लग रहा होली का? वो हुआ क्या Madhuri ji? मैं आपको बताता हूँ. मैं केस लड़ रहा था. अब केस में अपने क्लाइंट के लिए हार गया. उसको आया गुस्सा. उसने कहा कि तुम्हारा मुंह काला करके गधे पे बैठा के पूरे शहर में घुमाऊंगा. मैंने कहा कि यार गधे पे बैठाओ, पूरा शहर घुमाओ, लेकिन मुंह काला मत करो. मैं Madhuri Dixit का फैन हूं, अगर मुझ पे डालना है तो हरा रंग डालो. शर्म नहीं आई आपको गधे पे बैठते हुए? मुझे क्यों आएगी, मैं गधे पे बैठा. शर्म तो तब आती जब गधा मुझ पे बैठता. मैं आपको बताऊं Madhuri ji, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. मेरी मम्मी कभी मुझसे कहती है ना कि बेटे कितने पराठे खाओगे, मैं कहता हूँ दो लारे दो लारे दो लारे. और इस तरह मेरी माँ 16 पराठे लाके मेरे सामने रख देती है. 16 क्यों? दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो लारे दो सोलह. Madhuri ji सॉरी, आप हमेशा सुपरस्टार्स के साथ काम करते हैं, हमारी माफी चाहते हैं. आज हमने आपके सामने अजीब सा आदमी बिठा दिया. एकदम सामने कहाँ बैठी है? अर्चना जी काफी साइड में बैठी हैं. मैं आपकी बात कर रहा हूँ. ओके ओके रिलैक्स. वकील साहब बड़ी अजीब अजीब बातें करते हो आप. हाँ, आप रोज सुबह उठ के ना 5-6 भीगे हुए वो खाया करो. अच्छा बादाम चप्पले. ये चप्पले मुझे खुद खानी है, कोई कोई खिलाने आएगा? नहीं नहीं, जैसी आपकी बात है कोई ना कोई खिला के जाएगा आपको. जी आपकी एक फिल्म आई थी सिर्फ तुम, मैंने फिल्म देखी, उसमें तो काफी लोग थे. सच में बहुत सारे लोग थे. कायदे से फिल्म का नाम होना चाहिए बहुत सारे सिर्फ तुम. वकील साहब आप ना सुबह उठ के रोज 5-6 उबले वो खाया करो. अच्छा चप्पलें हथौड़े. करने क्या आए आप इधर? मैं Madhuri ji का नंबर लेने आया हूँ, फोन नंबर. बाप रे, डॉक्टर साहब का नंबर चाहिए? वो इलाज कर देंगे आपका. चाहिए आपको? नहीं नहीं. नहीं नहीं, इट्स ओके. यार Manav ji आप इतने बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, साथ ही में आप लिखते भी हैं. That's very good यार. एक यार छोटा सा काम था, ये मेरे बेटे का होमवर्क है, लिख देंगे थोड़ा सा. अरे वो इतने अच्छे राइटर हैं, वो क्यों ये सब करेंगे? मैं अच्छे राइटर है तो किसी खराब राइटर को बुला लो, पर मेरे बेटे का होमवर्क करवा दो यार. ये मुझसे नहीं होता है. वकील साहब आपको एक बात बताऊं? हाँ. इसमें स्ट्रॉ डाल के पिया करो, ये गर्मियों में ठंडा होता है. करने क्या है आप इधर? इंसान क्यों आता है? भाई जब बाप काम से एक दिन घर जल्दी आता है, माँ को फिल्म दिखाता है, माँ का दिल खुश हो जाता है, ऊपर वाला पानी बरसाता है, माहौल रोमांटिक हो जाता है, तब इंसान आता है. फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज.